चलिए सीधे रुख करेंगे भूपेश अचारक हमारे सहयोगी जो ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बाड़मेर, और किस तरह से आज का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, उनके साथ जो टिड्डी प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचेंगे कोई अधिकारी, कोई और बड़े चेहरे भी नजर आएंगे? जी बिल्कुल, इस दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री अभी कुछ ही देर पहले सर्किट हाउस से ढड़ों के लिए निकले, जहां पे आके इनको खेतों में आएंगे और वो खेतों को देखेंगे किस तरीके से यहां पे ये सारी चीजें टिड्डियों के द्वारा प्रभावित हुई। और रही बात खास शहरों की, तो उसमें उनके साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी है, प्रभारी सचिव सिद्धार्थ महाजन जो रिलीफ से आते हैं, और उसके अलावा भी तमाम जो अधिकारी हैं जो इस विभाग से संबंधित है वो सभी अधिकारी इस दौरे में साथ में पहुंचेंगे, ताकि मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर जाके पहुंचेंगे और वहां पे देखेंगे कि इन टिड्डियों से कितना प्रभावित हुआ और क्या हुआ, और उसके बाद किस तरीके की गिरदावरी रिपोर्ट करवा के लोगों को, किसानों को रिलीफ दी जाए, और उसके अलावा और भी क्या क्या काम है वो सारी चीजें मुख्यमंत्री, इसीलिए इस दौरे का कारण यही है कि मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं कि आखिर कितना का नुकसान हुआ और किस तरीके की फसल हुई। रही बात यहाँ की फसलों की, तो ये जो सीजन है इस सीजन में सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो जीरे की और इसबगोल की होती है। कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं अभी, जो टीवी पे देख पा रहे होंगे, ये वो खेत है जहाँ पे कुछ टाइम पहले ये फसल खड़ी थी, लेकिन अब आप देखेंगे ये केवल जमीन है और जमीन में और कुछ भी नहीं बचा। और रही बात टिड्डियों ने किस तरीके से इस पूरे खेत को एकदम बंजर कर दिया, जैसे खेत पे कभी कुछ उगा ही नहीं, लेकिन अगर किसानों से या किसी और से बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि 10 से 15 दिन पहले यहाँ एक जीरे की फसल खड़ी थी, लेकिन टिड्डियों की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जी जासमीन, बिल्कुल भूपेश, आपके पीछे मैं कुछ किसानों को देख पा रही हूँ, जरा उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि अभी तक, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 4 उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं टिड्डी दल से निपटने के लिए, 3,07,00,000 से ज्यादा की राशि को खर्च किया जा चुका है, क्या कुछ वो काम किए गए, किस तरह से कदम उठाए गए, लेकिन अब भी टिड्डी का जो प्रकोप है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जरा बातचीत कीजिए किसानों से। जी बिल्कुल, आप बताएं साहब, क्या था आपकी फसल, खेत पे किसकी फसल थी, क्या हुआ? फसल तो जीरा और मतलब इसबगोल, अरंडी और रायडा और जांबा, मेथी वगैरह, रिजके दुरादुर कोई मतलब फसल हमारे यहाँ तो बची नहीं है। क्या कब आई टिड्डियां, किस तरीके? 22 तारीख। हाँ, कोई मतलब करोड़ों में थी, कोई अनगिनती, कोई पार ही नहीं था, अंधेरा था। हाँ, आप बताओ कैसी टिड्डी आई, आपने देखी थी टिड्डी आती हुई? लाल टिड्डी है, लाल। अच्छा, कैसे आई, क्या रहा, पूरी चीज बताओ। 22 तारीख आई बाला रात्रा, मतलब के एक अच्छा रुकी अपने पीछे 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर बजते ही आ गया, 9 बजते ही पता कोई नहीं, मैं तो आप दौड़ दौड़ में थक गया, टिड्डी मतलब के एक घड़ी आई, मतलब के एक हाथों रड़का लड़का भेड़ी करो ते जी, जी भूपेश, कोई भी कोई छिड़काव, कोई प्रशासन का अधिकारी आया? कोई नहीं आया यहाँ, कोई छिड़काव वाला कोई आया ही नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपको टिड्डियां भी दिखाना चाहूंगा, आप टिड्डियां देख पाएंगे, टिड्डियां मेरे फ्रेम में कैमरा में दिखा रहे हैं, टिड्डियां वो है जिन्होंने इस फसल को नुकसान किया, और उसके बाद इन किसानों ने अपने स्तर पर सारी चीजें करके और इन टिड्डियों को खत्म किया, और आप टिड्डियों का झुंड देख रहे हैं किस तरीके से ये टिड्डियां कितनी बड़ी तादाद में आई थी, और ये टिड्डियां आप देख पा रही होंगी कि अभी भी किसान इनको इकट्ठे किए हुए, मुख्यमंत्री आएंगे और इन्हीं सब चीजों को देखेंगे और उसी से आंकलन लग पाएगा किस तरीके से इस फसल का नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल भूपेश, उसके बाद किसानों से भी बातचीत करेंगे, वहां पर प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे, और फिर जो कुछ रिक्वायर्ड कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया भूपेश, नजर आप हालांकि बना के रखिए, मुख्यमंत्री